सिद्धार्थ की तरह उन्होंने भी तपस्या की। उनके नाम कोंडन्ना, भद्दिया, वप्पा, महानमा और असाजी थे। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की तपस्या की। उन्होंने खाना और भी कम कर दिया, जब तक कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बुद्ध की इस अवस्था का नाम उपवास बुद्ध शाक्य मुनि रखा गया। वह बेहद दुबले हो गए, लेकिन फिर भी वह इस तरह की कोशिशें छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन अकेले ध्यान करते समय वे बेहोश हो गए। उसी समय एक चरवाहा लड़का बकरी लेकर उधर से गुजरा। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि भोजन के बिना सिद्धार्थ जल्द ही मर जाएंगे, इसलिए उसने तुरंत उसे बकरी का गर्म दूध पिलाया। जल्द ही सिद्धार्थ को होश आ गया और वह बेहतर महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि लड़के की मदद के बिना वह ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही मर गए होते। तब से सिद्धार्थ सामान्य रूप से खाना खाने लगे। जल्द ही उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने खुद से एक वादा किया, जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता, तब तक हार नहीं मानूंगा। जब तक मुझे अपने और सभी लोगों के लिए दुख से मुक्ति का रास्ता नहीं मिल जाता। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, सिद्धार्थ ने सभी बाहरी परेशानियों और अतीत के सुखों की यादों को जाने दिया। उन्होंने सभी सांसारिक विचारों को त्याग दिया और अपना ध्यान जीवन के अंतिम सत्य की खोज में लगा दिया। उसने खुद से पूछा, दुख कैसे शुरू होता है? कोई दुख से कैसे मुक्त हो सकता है? सबसे पहले उसके दिमाग में कई विचलित करने वाली छवियां उभरी, लेकिन आखिरकार उसका मन शांत पानी के तालाब की तरह बहुत शांत हो गया। गहरे ध्यान की शांति में सिद्धार्थ ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि उनका अपना जीवन कैसे शुरू हुआ था। सबसे पहले सिद्धार्थ को अपने पिछले जन्म की याद आई। इसके बाद उन्होंने देखा कि प्राणियों का पुनर्जन्म कारण और प्रभाव या कर्म के नियम के अनुसार कैसे होता है। उन्होंने देखा कि अच्छे कर्म दुखों से दूर शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म अधिक कष्ट की ओर ले जाते हैं। तब उसने देखा कि दुख की उत्पत्ति लालची होना है, जो यह सोचने से उत्पन्न होता है कि हम बाकी सभी से अधिक महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार वह इस तरह सोचने से पूरी तरह मुक्त हो गया। इस स्वतंत्रता को निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि जब कोई उन्हें बौद्ध धर्म सिखाता है, तो उन्हें इसे बुद्ध द्वारा सिखाए गए धर्म के विरुद्ध सावधानी पूर्वक सत्यापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि यह उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं है, तो उन्हें इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। यह बुद्ध की कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है, क्योंकि वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे। फिर वे पावा शहर की ओर बढ़े और आम के बगीचे में विश्राम किया, जो सुनार के बेटे कुंडा का था। बुद्ध ने कुंडा और उसके परिवार को शिक्षा दी। उन्होंने धर्म में विश्वास प्राप्त किया और बुद्ध और धर्म की शरण ली। लेकिन कुंडा ने बुद्ध को जो भोजन दिया, उसमें एक कवक था, जिससे बुद्ध बहुत बीमार महसूस करने लगे। हालांकि इसके बावजूद, दर्द के बावजूद, बुद्ध और उनके शिष्यों ने कुशिनारा की अपनी यात्रा जारी रखी। इस बुद्ध कहानी की अंतिम यात्रा, बुद्ध और उनके शिष्य आनंद कुशिनारा की सीमा पर पहुंचे। जब वे सलवाना आए, बुद्ध को लगा कि वह आगे नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने आनंद से उनके लेटने के लिए जगह तैयार करने को कहा। आनंद ने बुद्ध का बाहरी वस्त्र लिया और उसे 2 बड़े शाल वृक्षों के बीच एक बिस्तर पर रख दिया। फिर बुद्ध अपनी दाहिनी ओर लेट गए। वह सोए नहीं, बल्कि अपना दर्द और थकान दूर करने के लिए आराम करते रहे। उसका मन उतना ही शांत रहा जितना पहले था। बुद्ध के अंतिम शब्द। बाद में बुद्ध ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों को कोई भी प्रश्न पूछने का आखिरी मौका दिया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनमें से किसी को अभी भी बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में संदेह है, लेकिन उनमें से किसी को भी त्रिरत्न के बारे में कोई संदेह नहीं था। अंत में बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं,
यह मेरे लिए आपसे बात करने का आखिरी मौका है। सभी चीजें बदल जाती हैं। अपना उद्धार पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। बुद्ध तब गहरे और गहरे ध्यान में चले गए जब तक कि उनका मन पूरी तरह से संतुलित और स्थिर रूप से केंद्रित नहीं हो गया और फिर उनका निधन हो गया। इस प्रकार बुद्ध धन्य व्यक्ति ने उस अंतिम स्वतंत्रता को प्राप्त किया था जिसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी सभी शिक्षाओं को एकत्रित करने के लिए 500 अरिहंतों की एक बैठक आयोजित की गई। उन्हें याद कर लिया गया और भिक्षुओं की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया गया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं लुप्त नहीं हुई और हम उन्हें आज भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी में विभिन्न कहानियां शामिल हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे उन्होंने कई लोगों को उनके जीवन में शांति और शांति प्राप्त करने में मदद की। इसी प्रकार की बुद्ध से जुड़ी जानकारी पाए और चैनल से जुड़े रहे। बुद्धम नमामी।